माधुरी कलावाल और आप देख रहे हैं खास खबर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद देश जीतने की तैयारी कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में आपको यानी आम आदमी पार्टी को 44% लोगों ने पसंद किया है। पीएम की रेस में राहुल को केजरीवाल ने पीछे छोड़ा है, तो वहीं 31% लोग मोदी के शहर अहमदाबाद में भी केजरीवाल को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता कहीं मोदी की राहों में तो नहीं आएगी, या क्या मोदी की राह का रोड़ा बनेंगे केजरीवाल? देश के 8 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद में सर्वे कराए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सर्वे इपॉक्स नाम की रिसर्च एजेंसी ने किया है। सर्वे के मुताबिक 25% लोग मानते हैं कि 25 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। 11% लोग को 100 सीट तक जीतने की बात कह रही है। मुंबई और चेन्नई में अरविंद केजरीवाल पीएम पद की पसंद में मोदी को पीछे छोड़ रहे हैं, जबकि अखबार के मुताबिक 31% लोग मोदी के शहर अहमदाबाद में भी केजरीवाल को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जो कि मोदी से ज्यादा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जयपुर स्टूडियो से रुख करते हैं। वहां हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव अरोड़ा साहब वहां पे मौजूद है, कांग्रेस नेता हैं, योगेंद्र सिंह तंवर भाजपा नेता, और आप से सुनील आरीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वहां पे हमारे सहयोगी सुधांशु भी वहां मौजूद है। सबसे पहले हम सुनील आरीवाल जी से पूछना चाहेंगे। सुनील जी, जो सर्वे हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, एक रिसर्च कंपनी ने सर्वे किया, और उसके मुताबिक 8 बड़े शहरों में आपकी लोकप्रियता जो है वो उसका ग्राफ रेगुलर बढ़ता जा रहा है या उसका ग्राफ बहुत ऊंचा है, क्या मानते हैं आप? ऐसा मैडम, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो जुम्मा 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली है, अभी पहले सर्वे में अभी हम सेकंड पर आए हैं, अभी तो बहुत से पत्ते झूलने बाकी है। सरकार आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में जो बड़े निर्णय लेने वाली है, उससे आम आदमी के जीवन में जो बदलाव आने वाला है, उससे जो लहर और आंधी पैदा होने वाली पूरे देश में फैलने वाली है, तो अभी तो आप देखिए सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार। जी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचेगा इस सर्वे के रुझान से? हाँ बिल्कुल, आप देखिए कांग्रेस तो लगभग खत्म हो रही है, किला ढह चुका है। बीजेपी जिसका थोड़ा एक हवा सा बना हुआ था, अभी जब से दिल्ली के चुनाव के परिणाम आए तब से उनके तेवर भी ढीले हुए हैं। अब वो भी सोचने को मजबूर हुए हैं कि जब तक वो आम आदमी के रोजाना के जीवन के संघर्ष से संबंधित बात नहीं करेंगे, जनता उनको भी हाशिए पे डाल देगी। इसलिए बहुत तेजी से दबाव में जनता की बात अब बीजेपी करने लगी है, लेकिन जिस तरह का ढांचा उनकी पार्टी का है उसमें अब बहुत ज्यादा बदलाव कर नहीं सकते हैं। जिस तरह के लोगों को साथ में लेके वो चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं, इसलिए आप देखिए अभी तो बहुत आगे पत्ते खुलने वाले हैं। जी, राजीव अरोड़ा जी आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता आप 44% लोगों की पसंद बनती जा रही है, जिस तरह विधानसभा चुनावों में या दिल्ली में जिस तरह जीत हासिल की, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा, तो क्या कहेंगे आप, किस नजर से देखते हैं सर्वे को? देखिए पहले तो जो दिल्ली के अंदर सरकार बनी जी, उससे लोगों का मूड जो दिल्ली में था वो मालूम पड़ा। वो कोई अब कोई सर्वे कोई एग्जिट पोल नहीं है, वो तो वास्तविकता है और उसको सब पार्टीज को स्वीकार करनी चाहिए। अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे आया है उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिछली बार अभी जो कुछ दिनों पूर्व जो चुनाव हुए थे उस वक्त सर्वे निकले थे जिसमें कांग्रेस को राजस्थान में कोई भी सर्वे 60-70 से कम नहीं बता रहा था, और कई लोगों ने 105-110 तक भी बनाई होंगी, लेकिन हमारी 21 सीटें आई। तो सर्वे की कहां तक सच्चाई है इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सर्वे करने वाला कौन है, उसके पीछे किसकी ताकत है, किसने सर्वे कराया, किसने फंड करा, क्या प्रश्न पूछे गए थे, ये मालूम नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से मालूम है कि आने वाले चुनाव के अंदर जनता चाहती है कि साफ छवि के लोग चुनाव के अंदर आए, जनता से जुड़े हुए लोग चुनाव के मैदान में आए, और मेरे ख्याल से ना केवल आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब लोग जनता की वास्तविकता को जानते हैं, अलग अलग जगह अलग लोगों का
आज तक हमने देखा प्रभाव रहा है। आपने देखा कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीती थी, राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में दिल्ली में कांग्रेस को हार खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कहीं पे प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। अब जो चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव है, ये कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये कोई राजस्थान का चुनाव नहीं है। इन पांचों लोक विधानसभा क्षेत्रों में जब चुनाव हुए उनमें कुल 70 सीटें आती है लोकसभा की जी। उत्तर प्रदेश अकेले में 80 से ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है कि आने वाले चुनाव में जनता का क्या मूड होगा, वो अभी कयास लगने वाली बात है। और अभी जो सर्वे आया है ये 8 बड़े महानगरों का सर्वे है, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला सर्वे नहीं है, लेकिन इससे जरूर मालूम पड़ता है कि आने वाले चुनाव बड़े संघर्षपूर्ण होंगे और मजेदार होंगे। जी बिल्कुल राजीव जी, आपने कहा कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लेकर या साफ छवि वाले लोगों को जनता चाहती है, परिवर्तन चाहती है, बिल्कुल माना। लेकिन जिस तरह के मुद्दे लेकर आप आगे बढ़ी है या 44% लोगों को लगता है कि आप लोकसभा चुनाव में भी अपना जो दावा है वो पूरा करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए नुकसान है या आपके लिए वो बहुत बड़ी लहर है जो जनता के मुद्दे लेकर वो उठी है? कि ये जो सर्वे आया है ये 8 बड़े महानगरों के अंदर है, इसमें छोटे कस्बे गांव और 70% हिंदुस्तान अभी गांव में बसता है उसमें नहीं है। अच्छी बात है, ये प्रजातंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा है, लोग बाग आगे आए, काम करें, जनता के मुद्दों को उठाएं। समय समय पर हमने देखा है कांग्रेस ने इमरजेंसी के बाद के अंदर जबरदस्त हार खाई है, हमको राजस्थान में पूरे नॉर्थ इंडिया में एक सीट मिली थी। हमने वो भी देखा है जब 1984 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में 2 सीटें मिली थी। और हमने ये भी देखा है कि असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार मोहंता असम में चीफ मिनिस्टर मिले बने, आज उनको कोई पूछता नहीं है। तो इस देश की राजनीति के अंदर क्षणिक भावुकता के अंदर क्या क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर इस तरीके की बात करना कि हवा के पत्तों की तरह उड़ जाएगी कांग्रेस बीजेपी, ये इस तरीके की हमको भाषा का प्रयोग राजनीति में करना नहीं चाहिए। हम बड़ा सम्मान करते हैं हर राजनीतिक दल का, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, हमारे सहयोग से इनकी दिल्ली में सरकार चल रही है, हमने खुद ने आगे बढ़कर उनको समर्थन दिया है, लेकिन हमको अब मेरे ख्याल से अपनी भाषा का प्रयोग के ऊपर सोचना चाहिए कि हम क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह जो सर्वे सामने आया है सर्वे के मुताबिक बात करें कि नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में चली, लोकसभा चुनाव में भी शायद हो सकता है कि वो जो है वही मुद्दा जो बीजेपी है वो आगे रख रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्हीं के गढ़ में यानी अहमदाबाद में ही लोगों ने केजरीवाल को ज्यादा पसंद किया है सर्वे के मुताबिक, क्या कहेंगे आप? देखिए आप के केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के नरेंद्र जी मोदी, आज देश भर में जो वातावरण बना है, आज प्रजातंत्र में लोकतंत्र में आज 65 साल बाद परिपक्वता की स्थिति बनी है। और आज जैसा कि अभी अरोड़ा जी ने बताया कि अब लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं और अब ये चाहते हैं कि लोगों के काम जल्दी हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इन सब चीजों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि अब ऐसा परिवर्तन और ऐसा युग आ गया है कि हर आदमी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग करते हुए एक एक विषय की जानकारी उन्हें अंतिम समय तक मिलती रहती है। और प्रजातंत्र में यह होना भी चाहिए कि जो राज करने के को जो जिनको मौका मिला है वो अपनी छवि जनता के बीच में स्पष्ट रूप से स्पष्ट जानकारी रखते हुए कि उनका क्या खर्चा है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन का उनका साधन है, ये सब चीजें सामने आती हैं तो जनता को उन पर विश्वास होता है। आज केजरीवाल जी ने निश्चित रूप से दिल्ली में एक अपना जो प्रेजेंटेशन दिया है पार्टी का उसमें कोई शक नहीं है, परंतु मेरा ये कहना है कि देश भर में अभी आपकी पार्टी का जो अस्तित्व है और जो इन्होंने अपना जो कार्यक्रम बनाया है उसको हमारी दूसरी जो पार्टियां हैं हमारी बीजेपी की, आपने गोवा का देखा, आपने वसुंधरा जी का जो लगातार आज प्रत्येक दिन उनके जो प्रोग्राम आ रहे हैं यदि उनको आप देखेंगे तो जनता से जुड़े हुए, आम आदमी से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनके जो विकास के कार्य हैं उनको किस प्रकार से आम जन तक पहुंचाएं इसकी स्कीम बन रही है। जी बिल्कुल, तो आप योगेंद्र जी को लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसको नकार रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधांशु भी जुड़े हैं। सुधांशु,
कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस चीज को नकारती जा रही है, लेकिन फिर भी आपने जो वादे किए थे पहले साल भर के अंदर, जो लोकप्रियता उनकी बढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस वजह से क्योंकि उन्होंने वो वादे पूरे किए। भ्रष्टाचार, महंगाई या कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम जनता के सामने लेकर आए और आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो आज भी तैयार है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये अप्रत्याशित जो आंकड़े सामने आए हैं या जो सर्वे सामने आए हैं वो भी इसकी वजह है? देखिए, मैं ये जो सर्वे सामने आया है ये एक अभी का जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से है। जिस तरह से राजीव अरोड़ा जी ने बताया कि कुछ बड़े शहरों में किया गया है, सर्वे को हम पूरी तरह से आधार नहीं मान सकते, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल मानता हूं कि आपकी लोकप्रियता जो है पार्टी की वो बढ़ी है, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और दोनों ही पार्टियों को इससे सबक लेने की जरूरत है। और जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी कहा कि वो कुछ आपसे उन्हें सीख लेने की जरूरत है, बीजेपी जिस तरह से अभी जो वसुंधरा राजे जिस तरह से जो अभी आप देखा कलेक्टर्स और उनकी कॉन्फ्रेंस चल बैठक जो ली है उसमें भी मंत्रियों को भी हिदायतें दी हैं सादगी से रहने की। तो ये केवल मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई आपका फर्क आ गया, लेकिन अगर ये दोनों ही पार्टियों को समझने की जरूरत है कि वो आम जनता के साथ जुड़े। और रही बात वादे पूरे करने की, देखिए अभी आपने जिस तरह की जो भ्रष्टाचार और उनपे जो जैसे हेल्पलाइन दी, अभी वादे पूरे करने की शुरुआत हुई है। अभी ये नहीं कह सकते कि आपने अपने वादे पूरे कर दिए या आपने जो जो घोषणाएं कर दी वो पूरी हो गई। इनके लिए समय चाहिए, धीरे धीरे समय के साथ साथ पता लग पाएगा कि आप कितने वादे पूरे कर पाती है। लेकिन एक जो युवा है, जो पढ़ा लिखा तबका है और वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और उसके कई लोग जुड़ भी रहे हैं, पढ़े लिखे तबके से या जो वर्ग से भी लोग जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक लोकप्रियता में इजाफा जरूर हुआ है। लेकिन ये सर्वे जिस तरह से ये भी एक दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की एक लोकप्रियता बनी है, लेकिन ये मान लेना कि एक दोनों ही पार्टियां का कोई अस्तित्व नहीं है या ऐसा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन समय के साथ साथ आपको संतुलन बनाते हुए आगे चलना पड़ेगा। जी, तो आपने कहा कि बड़े बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, आपकी लोकप्रियता को बढ़ने के कारण ही शायद ये नाम या जो ये लोग हैं वो इनके साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मैसेज जो है वो लोगों के बीच में जा रहा है और उससे आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस वजह से भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है? जी, मेरा मानना बिल्कुल भी ये नहीं है। 128 वर्ष की हमारी पार्टी है, हमने बहुत अप्स एंड डाउन राजनीति के अंदर देखे हैं, आगे भी देखेंगे, चलते रहेंगे। मेरा मानना यह है कि अभी जो लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं उनकी मेरे को मालूम नहीं किस विचारधारा के कारण आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनके अंदर आगे के कुछ भविष्य देखते हैं, इनके अंदर पारदर्शिता देखते हैं, क्योंकि अभी एक संगठन इनको बनाने की आवश्यकता है। जब प्रेमिक चलेगा नीचे तक जाने के अंदर, क्या हम स्कीम्स लेके आएंगे, किनको फॉलो कर सकेंगे, क्या मुफ्त के अंदर पानी जो दिल्ली में योजना है वो राजस्थान में कभी सरकार में आते हैं तो यहां दे पाएंगे, क्या 50% बिजली की दर ऐसे हम कम कर पाएंगे क्या। बहुत सारे अभी आंसर अनुत्तरित है। जब आदमी सत्ता में आता है, आज केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के एक राज्य के, इन चुनावों से पहले हमारे 14 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, 2 हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री थे, आज ये 12 राज्यों के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। हम लोगों ने देखा है उसके बाद भी कई ऐसे राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और कई ऐसे राज्य जहां पे ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और मुलायम सिंह यादव की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस देश के अंदर बड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, अलग अलग विचारधारा के लोग बाग है, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लोगों के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत फर्क है। इसलिए अभी बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचना, और मैंने आपको बताया है कि इस देश के अंदर कभी राम मंदिर की आंधी चली है, कभी बोफोर्स की आंधी चली है, कभी एंकी इमरजेंसी की आंधी चली है, और कभी इंदिरा गांधी की और कभी राजीव गांधी की आंधी भी चली है। तो इसलिए समय समय के ऊपर राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं और ये इस देश की और हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है। आने वाले चुनाव के अंदर लोगों को मौका भी मिल सकता है, चुनाव के अंदर सीटें भी इनकी आ सकती हैं। और जैसा आपने कहा, ये जो सर्वे है इसमें दो बड़ी बातें एक दूसरे के खिलाफ है। पहली चीज ये कि सर्वे कहता है कि हम आप पार्टी को 44% लोग कहते हैं कि उनको मत देंगे और 58% कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मानते हैं। आप वोट तो आप पार्टी को दोगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाओगे, ये कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी विसंगति है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब बीजेपी को 44% वोट मिलते, क्योंकि इस देश के अंदर कभी 44% वोट पिछले चुनावों में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिले हैं। और अगर वो राजनीतिक दल आप है
तो नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे इसका उत्तर अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी है, आने वाले समय के दौरान को वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, प्रजातंत्र को मजबूत करने की शुरुआत है। इस देश में दो दल का प्रजातंत्र नहीं है अमेरिका की तरह, इस यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मेरे ख्याल से जो भी परिवर्तन आ रहा है वो अच्छाई के लिए परिवर्तन आ रहा है। मेरी आने वाले समय के अंदर हमको क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी हर पार्टी को इसके ऊपर। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, जैसे नरेंद्र मोदी फैक्टर को एक अहम फैक्टर माना गया विधानसभा चुनाव में, देखा जाए तो मोदी की लहर सबसे आगे रही, लेकिन जिस तरह दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मोदी की लहर उतना कमाल नहीं कर पाई, तो क्या लगता है इस सर्वे के अनुसार क्या लोकसभा चुनाव में भी मोदी की लहर के ऊपर केजरीवाल की लहर चल सकती है? देखिए दिल्ली की परिस्थितियां और देश की परिस्थितियां, मेरा ये मानना है कि दिल्ली की विशेष परिस्थितियां रही, दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चले, दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में चला, उससे दिल्ली का एक तबका, दिल्ली का एक विशेष वर्ग किसी रूप से केजरीवाल जी से कहें या कांग्रेस के इतने लंबे समय से जो शासन प्रणाली थी उससे दुखी होकर युवा साथियों ने वहां एक जो टीम बनी आपकी, उन्होंने मिलकर जो एक सहयोग लिया जनता का और उनके पक्ष में मतदान हुआ, उसको देश भर में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी की जो प्रणाली है, मोदी जी ने जिस तरह से अपना देश भर में रैली निकालकर अपना विषय रखकर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, मोदी जी जो सोशल साइट्स हैं उस पर यदि युवाओं की फेसबुक पर ट्विटर पर जितना लाइक आज मोदी जी को किया जा रहा है, आज आपने सर्वे के आधार पे ठीक है किसी पर्टिकुलर, जैसा कि रजनी बताया कि पर्टिकुलर 8 शहरों में किया गया, किन लोगों से किया गया उनका कोई अभी सामने हमारे पास विषय वस्तु नहीं है, परंतु फेसबुक सोशल साइट्स और ट्विटर की यदि आप लाइक्स को देखेंगे तो उसमें नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा हाइक पे है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे जो सर्वे सामने आया है उसमें भी दो तरह की बातें सामने आई है, अरविंद केजरीवाल को एक फैक्टर माना जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो अगर उम्मीदवार होते हैं तो लोग उन्हें वोट करेंगे, और एक तरफ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर वो उन्हें वोट करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इन दो परिणामों के सामने आने से या इन दो डिफरेंसेस के आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है? नहीं मैडम, देखिए ऐसा है कि जनता अब समझ रही है उनके रोजाना के जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, मंदी की हो, भ्रष्टाचार की हो, सबका मूल कारण जो है वो आर्थिक नीतियां हैं। नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है नीतियां। व्यक्ति से बदलाव नहीं आता, व्यवस्था से आता है, और दोनों ही पार्टियों की, कांग्रेस बीजेपी की आर्थिक नीतियां एक है, इसलिए रोजाना के जीवन का संघर्ष आम आदमी का जब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये पार्टियां अपनी नीतियां नहीं बदलती हैं, और वो इनके लिए संभव नहीं है। तो मेरा कहना है कि जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है ये, लोग हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अभी तो शुरुआत, आप आगे देखिए जैसे हम और अभी जो काम दिल्ली में करने वाले हैं या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अपनी पार्टी की जो राय है, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में जो हमने लिखी है वो लोगों के बीच में पहुंचेगी कि हम पूरे देश में किसानों को उनकी लागत का 50% मुनाफा देने वाले हैं, बच्चा कुछ ही पढ़ना चाहे सारी शिक्षा उसके लिए मुफ्त होगी, बीमार की बीमारी कितनी महंगी हो सारा इलाज मुफ्त होगा, महंगाई के रोकने के लिए जितने भी सामान के दाम सरकार तय करती है वो सारे दाम जो है जनता से पूछ के किए जाएंगे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है। तो आगे जब ये चीजें आएंगी, तो अभी तो बहुत शुरुआत है, अभी ये आगे बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ने वाला है और हम तो बहुत आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि रोजाना के जीवन की बात और कोई कर ही नहीं रहा, इन पार्टियों के पास अभी वो समझ ही नहीं है। वो आर्थिक नीतियां दोनों पार्टियों की एक है, मनमोहन सिंह जी, मोदी जी और राहुल गांधी जी की नीति में कोई फर्क ही नहीं है, झंडा डंडा कांग्रेस बीजेपी का अलग, अंतर पार्टियां दोनों एक है, मिली हुई है, कांग्रेस के राज में बीजेपी और बीजेपी के राज में कांग्रेस से काम हो रहे हैं, जनता भी सारा खेल पिछले 2 साल के घोटालों के खुलासों से समझ चुकी है। तो ऐसे में अब जनता में जो जागरण आया है, आप देखिए कितना तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, 1942 में लोग नौकरी बिजनेस छोड़ के गांधी के साथ लगे थे, आज आजादी के 66 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग जो है करोड़ों के पैकेज छोड़ के, अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के, वो छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो ये हमारी सफलता है कि समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति नफरत करते थे, वो हमारे पार्टी तरफ आकर्षित हो रहे हैं,
बाकी पार्टी हमारे घोषणा पत्र के मुद्दे जुड़ा रही है, ये भी हमारी सफलता है। बाकी पार्टियां अपने बेहतर चेहरों को आगे ला रही है, गडकरी और विजय गोयल जी जैसे लोगों को जो बदनाम है उनको पीछे ले रही है, ये भी हमारी सफलता है। तो हमारी सफलता खाली हार जीत से नहीं, कई पैमानों पर नापी जाएगी और सभी में हम बहुत आगे हैं। राजनीति की परिभाषा हम बदल रहे हैं, नई राजनीति, नए चुनाव के खेल के नियम सब हम सिखा रहे हैं इनको। आप देखिए अभी तो शुरुआत बहुत कुछ होने वाला है। जी सुनील जी, तो सुधांशु आपसे जानना चाहेंगे, समय थोड़ा कम है, आखिरी सवाल है हमारा कि राजनीति सिखा रहे हैं, आपका ये कहना है, आप हमारे साथ आप नेता मौजूद है, उन्होंने कहा कि राजनीति सिखा रहे हैं हम, राजनीति की परिभाषा बदल रहे हैं, आपके जो नीतियां हैं उसकी वजह से लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सरकार बनी बहुत सारे आपके भी ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से नेगेटिविटी सामने आई है, जिन पर जिसकी वजह से सरकार पर उंगलियां उठी है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों की वजह से भी लोकसभा चुनाव में आपको कहीं ना कहीं खतरा या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए माधुरी, अभी जिस तरह से जो नेगेटिविटी की बात आपने कही कि आपके जो नेता हैं, जैसे कुछ बातें जिस तरह का जो एक स्टिंग भी सामने आया था जिसमें इनके कुछ नेता थे, या अभी राखी बिरला का जो मामला हो, देखिए कुछ नेगेटिविटी तो जरूर होती है, इस तरह की बातों से आती जरूर है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अभी कि जी, इन्होंने कहा कि लोग नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं या काफी तादाद में लोग हो रहे हैं, मैंने भी सुना कि एक दिन में ही कई हजार लोग इनके इसमें पार्टी के साथ जुड़े। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इनको जिस तरह की जो नीतियां बता रहे हैं, जिस तरह की जो बात कर रहे हैं कि आप फ्री शिक्षा, फ्री बड़ी से बड़ी बीमारी का, इन सबके लिए एक इनको पूरी नीति को तैयार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम इस तरह से इस काम को करेंगे, और जिस तरह से जो आर्थिक सफलता देने की बात कर रहे हैं कि इस तरह से हम जो आर्थिक सफलता एक आम आदमी तक पहुंचाएंगे और उसका असर देश की आर्थिक स्थिति पर भी नहीं पड़ेगा, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लोग बहुत बहुत बड़ी संख्या में अगर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, काफी लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या वास्तव में सही लोग आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ में कई बार गलत लोग भी घुस जाते हैं जिनकी कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं, और वो आकांक्षाएं बाद में जब पूरी नहीं होंगी तो कई तरह के विरोधाभास उत्पन्न होंगे, तो वो इनकी पार्टी के लिए सही नहीं होगा। तो ये इनको बहुत ही संभल के चलने की जरूरत है कि लोगों के जो आ रहे हैं कि अच्छे लोगों को अगर जोड़ना चाहते हैं तो बड़ी ही इनको भी देखना पड़ेगा कि वाकई में पार्टी के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो काम करना चाहते हैं या केवल अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। जी जी सुधांशु, बिल्कुल सही कहा कि आप राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं या सचमुच एक अच्छी राजनीति या गुड गवर्नेंस देश को देना चाहते हैं, ये तो समय आने पर ही पता पड़ेगा कि लोगों का जनमत क्या है। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में आज के लिए इतना ही, आगे भी कई मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए सर नमस्कार।